सो फाइनली गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा, और आई थिंक मेरे को बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले से भी कहते आ रहे कि भाई तू हर मूवी के बारे में अपडेट दे रहा है। जब से जवान डंकी रिलीज हुई है ना, तब से और अभी तक लोग मेरे को कह ही रहे हैं बहुत सारे कि यार देख, तू हर मूवी की अपडेट, हर मूवी का कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन तूने अब तक एक बार भी नहीं सोचा कि पुष्पा 2 का क्या हो रहा है। यार तूने पुष्पा 2 की अपडेट्स नहीं दी, तूने बहुत सारी पुष्पा 2 की बड़ी बड़ी अपडेट्स को छोड़ दिया, उन्हें तूने कवर नहीं किया। यहाँ तक कि अभी लोग ये भी बता रहे हैं अभी टीजर की अपडेट आई है ना, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई फाइनली अब हम लोग इस वीडियो को बनाते हैं, और फाइनली आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पुष्पा 2 की बड़ी से बड़ी अपडेट जो कि अभी आ चुकी है पिछले एक हफ्ते में, पिछले एक महीने में जो बड़ी बड़ी अपडेट्स आई हैं सब कवर करूंगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ यहाँ पर डेट होने वाली, क्या डेट 15 अगस्त फाइनलाइज हुई है, वहीं पर अभी कुछ बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई है अल्लू अर्जुन से रिलेटेड, पुष्पा 2 से रिलेटेड, सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। साथ ही मैं आपको बताऊंगा मैं पुष्पा 2 के टीजर की क्या कुछ यहाँ पर हालचाल है, टीजर ट्रेलर कब कुछ आते दिखेगा, क्या कुछ अपडेट आ रही, सब बताऊंगा आज के इस वीडियो में। फुल्ली पुष्पा 2 की ये वीडियो होने वाली, तो बस आज की इस वीडियो को पूरे एंड तक देखते रहना, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, और यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा। तो यार सबसे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो देख लिया करो, पूरा एंड तक देखा करो, और यार देखते हो अपडेट सुनते न्यूज़ सुनते हैं तो बस लाइक भी कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, ठीक है, लाइक कर दिया करो वीडियो को। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, मजा आ जाता है जब तुम सब्सक्राइब करते हो, मुझे भी आएगा तुम्हें भी आएगा, बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा दो। टिल देन बिना टाइम के आज की अमेजिंग सी वीडियो को हम लोग यहाँ पर करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो यार अगर सबसे पहले बात करें हम लोग पुष्पा 2 की कास्ट क्या क्या होने वाली, आई मीन कौन कौन से एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हमें पुष्पा 2 में देखने को मिलने वाले, तो सबसे पहले अगर बात करें तो अपने पुष्पा राव, आई मीन पुष्पा भाई साहब हमें देखने को मिलेंगे, पुष्पा राज, ठीक है, पुष्पा राज देखने को मिलेंगे, अल्लू अर्जुन, साथ में रश्मिका मंदना, वहीं पे फहाद फाजल इस मूवी में होंगे, ठीक है, सुनील मोहनलाल का यहाँ पर हो सकता है मैं एक बार फिर ऐसा कुछ छोटा मोटा कैमियो देखने को मिले, ठीक है। वहीं पे लोग ये भी बता रहे कि हो सकता है इसमें, मतलब ऐसे अभी कुछ बहुत समय पहले एक अपडेट आई थी कि अक्षय कुमार का कैमियो पुष्पा 2 में होते दिख रहा है, हालांकि अभी इस अपडेट के ऊपर कोई फाइनल हमें नहीं पता चला है कि यार होगा या नहीं होगा, ठीक है, मान के चलो नहीं होने वाला है क्योंकि अभी तक कुछ फाइनल पता नहीं चला, एक दो महीने पहले अपडेट आई थी कि अक्षय कुमार भी हमें एक कैमियो देते मिलेंगे। वहीं पर बात करें तो साई पल्लवी भी होंगी एक सॉन्ग में किसी चीज़ में, ऐसा भी लोगों ने कहा पुष्पा 2 में, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और बहुत ही टैलेंटेड स्टार कास्ट एक्टर एंड एक्ट्रेसेस साउथ इंडस्ट्री में देखने को मिलने वाले पुष्पा 2 में। वहीं पे बात करें कि क्या कुछ रिलीज डेट की अपडेट आ रही है भाई, सबसे पहले बता कि रिलीज डेट क्या है, तो अगर बात करें रिलीज डेट के बारे में तो आपको बता दूं रिलीज डेट अभी तक की जो फाइनलाइज हुई है वो यहां पर यही हुई कि 15 अगस्त, जी हां 15 अगस्त 2024 के दिन यहां पर फाइनली हमें पुष्पा 2 थिएटर्स में रिलीज होते दिख रही है। 15 अगस्त यानी हो गया इंडिपेंडेंस डे, यानी कि अपने इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन 2024 में यहाँ पर पुष्पा 2 हमें रिलीज होते दिखेगी सिनेमाघरों यानी कि थिएटर्स में। वहीं पर अगली अपडेट के ऊपर चले तो यहाँ पर अगली अपडेट आती है पुष्पा 2 के बजट से रिलेटेड। पुष्पा 1 का बजट जो बताया गया मेरे को पता चला था लगभग 200 से 300 करोड़ के बीच में समथिंग था, ठीक है, और ये मूवी रिलीज हुई थी दिसंबर के 2021 में, क्लैश ली थी एक तरह से 83 के साथ, दोनों ही मूवी ने क्लैश लिया था, दोनों ही मूवी ने बहुत अच्छी कमाई की थी, हालांकि उस वक्त कोविड का फंडा चल रहा था थिएटर में, लेकिन मूवी पुष्पा ने लगभग 300 करोड़ की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की कमाई की। वहीं पे 83 ने भी अच्छा परफॉर्म किया था बट बजट के अनुसार 83 फ्लॉप साबित हुई। वहीं पे बात करें तो उस वक्त क्या हुआ था, बहुत ही धमाकेदार कलेक्शन यहाँ पर पुष्पा ने करके दिखाया था, और इस बार अगर बात करें तब तो भैया 350-400 करोड़ जो मूवी ने कमाए थे तब तो भाई यहाँ पर कोविड था, ठीक है, कुछ कुछ पॉलिसीज चल रही थी कि यार एक सीट छोड़िए बैठने वाले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, और अब सोचो क्या होने वाला। और बता दूं आपको पुष्पा 2 के बजट के रिलेटेड ये अपडेट आई है कि पुष्पा 2 का बजट लगभग 400 से 450 करोड़ होगा, मतलब भाई 400 से 450 करोड़ यहाँ पर पुष्पा 2 का बजट होगा, ये यहाँ पर रिपोर्ट्स का कहना है। और मैं आपको बता दूँ इस बार जो सेट्स लगे ना, जो पूरे सेट लगाए गए थे पुष्पा 2 के लिए, वो बहुत ही बड़े, बहुत ही लार्ज और बहुत ही जाइंट या एक बड़े बड़े सेट्स लगाए गए, साथ ही में बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारी कार, आई मीन भाई बहुत सारा VFX भी यहाँ पर यूज़ हुआ है, हर चीज़ यहाँ पर असली ट्रक मंगाए गए भाई, बहुत ही बड़ी चीज़ होने वाली पुष्पा 2, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके चलते हम ये समझ सकते हैं कि अगर मूवी में सही में दम निकला, क्योंकि देखो अभी के हिसाब से देखा जाए तो सब चीज़ों में दम है मूवी की, लेकिन अगर मूवी का कॉन्सेप्ट, मूवी की स्टोरी में दम निकला ना भैया, तो मूवी 1000 करोड़ हंसता खेलता पार करने वाली थी बॉक्स ऑफिस में, 1000 करोड़ हंसता खेलता पार करी। मैं भी बात करें अगली अपडेट की, तो अगली अपडेट आती है यहाँ पर हमारे पास मूवी पुष्पा 2 की, जो कि बर्लिन फेस्टिवल में भी एक हुआ, फिल्म फेस्टिवल हो रहा था बर्लिन में, वहाँ पर अल्लू अर्जुन गए, उन्होंने यहाँ पर साफ साफ बताया कि भाई पुष्पा 2, मैं आपको एकदम अपने शब्दों में बताऊँ तो पुष्पा 2 यहाँ पर बहुत ही बड़े बजट के साथ बनने वाली है, ठीक है, और पुष्पा को अब जितना पार्ट 1 में स्ट्रगल करना पड़ा था, पार्ट 2 में और ज़ोरदार स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 का नाम है पुष्पा द रूल, मतलब पुष्पा रूल कर रहा है, ठीक है, पुष्पा राज रूल कर रहा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या स्ट्रगल है। देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर बंदा बड़े लेवल का कुछ बना है, ठीक है, एकदम बड़ा हो गया है, तो और उसको और ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, तो इट मींस लड़ाई, बहुत कुछ अभी फाइटिंग सीक्वेंसेस, बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे पुष्पा
2 में। वहीं भी बात करें आज की अगली अपडेट और आई थिंक सो ये लास्ट अपडेट आप बोल सकते हैं कि क्या कुछ अपडेट आ रही है भाई पुष्पा 2 के टीजर ट्रेलर से रिलेटेड। ट्रेलर की अगर बात करें तो ट्रेलर की अभी कुछ भी अपडेट नहीं आई है, सच बताऊँ तो कुछ भी अपडेट नहीं आई है। बहुत सारी अपडेट आई है वो पूरी रूमर से तो उस पर बिल्कुल ध्यान मत देना। पुष्पा 2 का यहाँ पर कुछ भी अभी ट्रेलर अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वहीं भी बात करें टीजर की क्या बात है तो टीजर की अनाउंसमेंट हाँ एक बात हुई है, एक बात अभी मार्केट में निकल रही कि पुष्पा का टीजर हमें मार्च के महीने में देखने को मिलने वाला है। मार्च के जैसा लोगों का कहना है कि मार्च में हमें देखने को मिल सकता है, हो सकता है कि होली के आसपास यहाँ पे मिल जाए होली का दहन या होली के, बट लोग बोल रहे हैं और यहाँ पर जो अपडेट्स का कहना है बड़े बड़े सोर्सेज का उनका ये कहना है कि मार्च के महीने में हमें फाइनली पुष्पा 2 यानी कि पुष्पा द रूल का टीजर हमें देखने को मिलने वाला है सभी लैंग्वेजेस यानी कि हिंदी तमिल तेलुगू जिन जिन लैंग्वेज में मूवी रिलीज हो रही है एक साथ रिलीज होते दिखेगा और एक जोरदार धमाका मचाएगा। और मैं आपको बता दूँ एक दो अपडेट छोटी छोटी अपडेट है बट ये है कि पुष्पा द रूल को बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करने वाले हैं ये लोग, बहुत ही सारी कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन्स में रिलीज़ करेंगे। एंड यार मैं बता रहा हूँ मूवी का क्लैश हो सकता है सिंघम 3 से, तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ होगा, कोई ना एक मूवी को पीछे होना पड़ सकता है। मेरे को लगता है सिंघम ही होगी, वैसे होना दोनों नहीं चाहिए, मैं तो दोनों के लिए एक्साइटेड हूँ बट पुष्पा 2 के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, ठीक है। बाकी अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है यहाँ पर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ दोनों ही मूवीज़ के लिए, स्पेशली पुष्पा के लिए ज़्यादा हूँ। पुष्पा के लिए भाई मज़ा आने वाला है हम सभी को, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है और कौन सी अपडेट अच्छी लगी कौन सी नहीं लगी सब बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपके पास कुछ अपडेट है या कुछ चीज़ जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगली वीडियो में कवर करूँगा जल्दी से, ठीक है। टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, एक सब्सक्राइब कर दो क्या ज़्यादा तुम्हारा। टिल देन मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।